या पर इस वीडियो के दौरान पोको F5 के साथ जो है पोको X6 प्रो का एक कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर लेजेंडरी पोको F1 डिवाइस को भी हम यहाँ पर फ्रेम में रखने वाले हैं। एनीवे यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेक्स के बारे में। तो पोको F5 जो डिवाइस है उसमें आपको यहाँ पर 6.67 इंच का एक एमोलेड 120Hz HDR10 डॉल्बी विजन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 के साथ मेन कैमरा में जो है 64 मेगापिक्सल प्लस OIS देखने को मिलता है एंड यहाँ पर 3.5mm का जो हेडफोन जैक भी अवेलेबल है पोको F5 में। एंड पोको X6 प्रो में जो है 6.67 इंच का जो है एमोलेड 120Hz HDR10 डॉल्बी विजन के साथ डिस्प्ले है एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा चिपसेट के साथ 64 मेगापिक्सल प्लस OIS कैमरा देखने को मिल जाएगा, उसमें हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। दोनों में कैमरा सेम है, डिस्प्ले सेम है, HDR10 डॉल्बी विजन 120Hz है बट प्रोसेसर डिफरेंट है, एक में स्नैपड्रैगन है दूसरे में मीडियाटेक है। तो यहाँ पर दोनों फोन से कौन सा बेटर है, कौन सा खरीदना चाहिए एंड मेरा क्या ओपिनियन है आपके साथ शेयर करने वाले है, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले यहाँ पर अगर एक लाइन में बोलूं तो अभी भाई कोई भी फोन को मत खरीदना, वीडियो खत्म हो गया। एक्चुअली बहुत ही जल्दी पोको F6 रिलीज होने वाला है, होपफुली महीने में रिलीज होगा। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो पोको F6 के लिए वेट करो, क्योंकि महीने में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और 8+ Gen 2 के साथ जो है पोको F5 रिलीज होने वाला है, जो कि काफी सही एक डील होने वाला है। तो वेट कर सकते हो तो पोको F5 के लिए वेट करो, अगर अभी खरीदना है तो इस वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है। तो पहले आपको मेरा जो ओपिनियन है शेयर कर दिया। अगर अभी तक आपने पोको X6 प्रो और पोको F5 को नहीं खरीदा है तो आप जो है पोको F6 के लिए वेट कर सकते हो। पोको F6 में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और 8+ Gen 2 देखने को मिलेगा, जो कि महीने में रिलीज हो सकता है। तो पोको F5 का जो प्राइस है तब कम हो जाएगा और थोड़ा सा बाकी देखते हैं। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं दोनों फोन से कौन सा ज्यादा अच्छा है। पोको F5 की अगर बात करें इसमें जो है स्नैपड्रैगन का जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इससे क्या होगा आप जो है यहाँ पर सिंपली जो गूगल कैमरा है उसे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली जो स्टॉक कैमरा से आपको GCam के साथ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है एक्स्ट्रा डिटेल्स देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बेहतर फोटो को क्लिक कर पाओगे GCam के साथ। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इसलिए यहाँ पर जो है गूगल कैमरा काम कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर मैं खरीदता, ऑलरेडी हमारे पास पोको F5 है इसलिए मैं बोल सकता हूँ गूगल कैमरा यहाँ पर काम करता है, बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा, इवन स्टॉक कैमरा से ज्यादा अच्छा फोटो को क्लिक कर पाओगे GCam के साथ। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इसलिए यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा पोको F5 के साथ। नेक्स्ट कस्टम रोम, तो यहाँ पर अभी जो है कस्टम रोम का जो सपोर्ट है पोको F5 डिवाइस के लिए बहुत ही बढ़िया है। ढेर सारी अलग अलग डेवलपर की तरफ से हर दिन नया नया कस्टम रोम देखने को मिलता है, नया नया फीचर्स देखने को मिलता है। तो आप अगर आप कस्टम रोम को ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको कस्टम रोम फ्लैशिंग पसंद है तो आप जो है डेफिनेटली पोको F5 को खरीदना। पोको X6 प्रो में कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कस्टम रोम का जो सपोर्ट है पोको F5 डिवाइस के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत सारी डेवलपर की तरफ से सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 उसमें आपको बेटर ISP देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली जो पोको F5 है पोको X6 प्रो है दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मतलब मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल प्लस OIS है। तो कैमरा में शायद आपको यहाँ पर ISP का जो है डिफरेंस देखने को मिले, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से जो पोको F5 हो जाए पोको X6 प्रो हो जाए दोनों का जो कैमरा है एवरेज आप कह सकते हो, आप GCam की यूज करना आपको ज्यादा अच्छा फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर पोको F5 में जो है यहाँ पर डेडिकेटेड क्या यहाँ पर जो है हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, जो कि काफी 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 सही है। जो पोको X6 प्रो है उसमें जो हेडफोन जैक अवेलेबल नहीं है, बट इसमें जो है पोको F5 में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, तो आप इजिली जो है गेमिंग के दौरान जो है हेडफोन जैक को यूज कर सकते हो। और एक आप चीज नोटिस करोगे यहाँ पर जो पोको F5 है बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है इसका जो यहाँ पर बैक कवर है, इवन आई थिंक पोको X6 प्रो में भी जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला जो अवेलेबल है।
कलर, तो यहाँ पर बैक कवर को यूज करना बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। एनीवे यहाँ पर पोको F5 में जो है आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगा जो कि काफी सही है। प्लस पोको F5 में जो है फिजिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर पोको X6 प्रो में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फिजिकल जो सेंसर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कॉल को करने के दौरान स्क्रीन जो है बंद हो जाएगा जो कि यहाँ पर वर्चुअल देखने को मिलेगा पोको X6 प्रो में। तो ये चीज जो है आप कंसीडर कर सकते हो। प्लस स्पेशली कस्टम रॉम के लिए, गेमिंग के लिए आपको मेरे हिसाब से पोको F5 को जो है कंसीडर करना चाहिए। बट अपडेट की अगर बात करें, डेफिनेटली पोको F5 में आपको जो है कम अपडेट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू पोको X6 प्रो। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं पोको X6 प्रो में जो है क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर क्यों खरीदना चाहिए पोको X6 प्रो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। प्लस UFS 4.0 का जो स्टोरेज टाइप है, इसका मतलब है जो एप्लीकेशन ओपनिंग हो जाए, एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, रैम मैनेजमेंट हो जाए, आपको बेटर देखने को मिलेगा। स्पेशली जो एप्लीकेशन है जो गेम से बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी ऑन हो जाएगा जो कि काफी सही है। एंड स्पेशली जो है फाइल को ट्रांसफर करने के दौरान भी आपको ज्यादा अच्छे स्पीड देखने को मिलेगा। तो पोको X6 प्रो जो है लॉन्ग टाइम तक आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, ज्यादा अच्छा आपको फास्ट फील होगा क्योंकि इसमें जो है UFS 4.0 का जो है स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली स्टोरेज के लिए पोको X6 प्रो बहुत सही है, बहुत ही बढ़िया जो है पर स्टोरेज देखने को मिलता है। प्लस प्राइसिंग में भी तो डिफरेंस है, पोको X6 प्रो एंड पोको F5 में प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर पोको X6 प्रो में जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो आपको डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू पोको F5। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी चाहिए तो पोको X6 प्रो को परचेस करो, वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है पोको X6 प्रो के लिए जो है 512 GB का जो स्टोरेज देखने को मिलता है, जो मैक्स स्टोरेज है 512 GB का है, जो कि यहाँ पर पोको F5 के लिए शायद अवेलेबल नहीं है। 256 GB तक जो है शायद मैक्स स्टोरेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर कौन की अगर बात करें पोको X6 प्रो में, मेनली मेरे हिसाब से दो तीन ही कौन है, ज्यादा कौन नहीं है। सबसे पहले जो है यहाँ पर वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलेगा। एक कोई कॉन नहीं है, एक फीचर आप इसे कह सकते हो, बट कुछ कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर जो है वर्चुअल यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, आपका जो मोशन है, आप जिस तरह से फोन को यहाँ पर रिसीव करते हो उस मोशन को सेंस करके जो है यहाँ पर स्क्रीन को बंद करेगा, तो आपको वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ कुछ टाइम जो फोन का जो स्क्रीन है बंद नहीं होगा कॉल को रिसीव करने के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पर कस्टम रॉम का जो सपोर्ट है मीडियाटेक डिवाइस के लिए नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर मीडियाटेक डिवाइस के लिए आप जो है कस्टम रॉम को यूज नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पर जो है पोको X6 प्रो के लिए GCam का जो सपोर्ट है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन थोड़ा सा कम है। डेफिनेटली कुछ कुछ गूगल कैमरा काम कर जाएगा पोको X6 प्रो के साथ, बट जिस तरह से स्नैपड्रैगन डिवाइस के ऊपर जो है ज्यादा गूगल कैमरा का जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, उस तरह से यहाँ पर जो है पोको X6 प्रो के लिए ज्यादा जो है यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है गूगल कैमरे के साथ। तो ये सभी जो है कौन से नाउ मेरा जो ओपिनियन है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर पोको F5 और पोको X6 प्रो में जो है पोको F5 को जो है यहाँ पर सिंपली परचेस करना चाहिए। इसके पीछे मेन जो रीजन है इसका प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, इसमें आपको ज्यादा अच्छा जो है मेनली सभी जो है चीज बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर CPU, GPU, बैटरी बैकअप प्लस यहाँ पर कैमरा सभी आपको जो है बैलेंस देखने को मिलता है। डेफिनेटली पोको X6 प्रो में कुछ यहाँ पर प्रोज देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से जो है पोको F5 को आपको यहाँ पर जो है कंसीडर करना चाहिए। एंड यहाँ पर जो कस्टम रॉम का जो सपोर्ट है, जो GCam का जो सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन के साथ ज्यादा अच्छा है। प्लस पोको F5 जो है यहाँ पर डेफिनेटली पोको X6 रिलीज होने के बाद और ज्यादा कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा, बट अभी के हिसाब से जो है मेरे हिसाब से पोको F5 जो है ज्यादा अच्छा चॉइस है कस्टम रॉम एंड GCam के लिए। बाकी गेमिंग के लिए हो जाए और परफॉर्मेंस के लिए दोनों ही आपको सेम देखने को मिलेगा। शायद आपको जो है यहाँ पर जो पोको F5 है उसमें आपको ज्यादा अच्छा जो है यहाँ पर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आपको जो है पोको F5 के साथ ज्यादा लंबे टाइम तक और ज्यादा अच्छा जो है गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से अभी तो अगर आपको अभी खरीदना है तो पोको F5 खरीद लो, बट अगर आप वेट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको जो है पोको
F6 के लिए डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि पोको F6 के साथ आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 और स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 2 देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही होने वाला है। मई 2024 में यहाँ पर जो पोको F5 है यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गेमिंग कर सकते हो। कैमरा कितना ज्यादा इंप्रूव होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड पोको F5 का जो कस्टम रोम का जो रिव्यू वीडियो है, हमने पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर अपलोड किया है। बाय बाय।